welcome back to my channel. This is Anya Creative. Today I'm going to show you how to create YouTube thumbnail. Someone asked me, किसी ने मेरे को पूछा था कि how to हम लोग कैसे thumbnail create करें. तो उन्होंने मेरे को comment किया था. तो simply मैं आज इसी को cover करने वाला हूँ इस video में. तो simply हम लोग को thumbnail बनाने से पहले हम लोग को तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए. First, आपका main content क्या है, जो कि बहुत डिपेंड करता है हमें उसको अट्रैक्टिव और क्लिक करने के लिए. जो कि आप लोग का सब्सक्राइबर है जितना तक आपका कंटेंट अच्छा रहेगा उतना ही. सबसे बेस्ट चीज़ वीडियो में क्या होना चाहिए, आपका 100% में 75% थंबनेल को देना पड़ेगा आपको. क्योंकि थंबनेल में ही अट्रैक्टिव होने के बाद थंबनेल में क्लिक आता है और उसको वॉच कर लेते हैं. इसके लिए सिंपली आप लोगों का मैं तीन टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरा थंबनेल्स में मैं जब भी थंबनेल्स क्रिएट करता हूँ उसमें यूज़ करता हूँ. मेन वन, मैं अपना बेस्ट कंटेंट को यूज़ करता हूँ थंबनेल में. बेस्ट कंटेंट जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में जैसे कुकिंग का आ रहा है और कुछ रिव्यू का, तो रिव्यू का बेस्ट पार्ट देना है आपको. अगर कुकिंग का है तो मतलब कुकिंग करने के बाद फाइनली आपके पास रेसिपी क्या आता है. सिंपली मैंने आप लोगों को थ्री टिप्स बता दिया है. तो सिंपली अभी मैं आपको मेरा लैपटॉप का स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ. मैंने फोटो सब ओपन कर चुका हूँ. तो सिंपली मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का साइज लिया है 1280x720. सो थंबनेल बना के दिखा देता हूँ. सिंपली एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपली एक थंबनेल बनाने वाला हूँ, जो कि इसी वीडियो के लिए थंबनेल यूज किया है. आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पे. सो सिंपली वही थंबनेल मैं क्रिएट करने वाला हूँ. तो मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें से एक पिक्चर लिया है. तो सिंपली मैं टिप्स लेके, तो सिंपली इसको मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है. तो सिंपली अगर आप लोगों को बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो सिंपली आई बटन पे वहाँ पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसमें क्लिक करके आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं. सो सिंपली मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसको कॉपी ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड डाउन करने वाला हूँ और इसको यहाँ पे ले रहा हूँ. और मेन चीज़ मैंने इसको स्मार्ट कन्वर्ट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट में. तो सिंपली मेन कंटेंट में मेरा पिक्चर्स मतलब थ्री टिप्स का कुछ लेके रखा हूँ. तो सिंपली मैं इसमें इसको थोड़ा सा जूम, मेरा एक्चुअली एक फोटो ले लिया है टिप्स के ऊपर में मैं, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा क्योंकि वही आप लोग को ग्राफिक में वही है, सिंपली बेसिक कलर और एडजस्टमेंट चूज करना है. तो सिंपली मैं इसको क्लिक कर देता हूं. और मेन सेकंड टिप से आपको अट्रैक्टिव टेक्स्ट यूज करना है. आपको टेक्स्ट मतलब कि मैंने बहुत सारा थंबनेल्स देखा है जो कि उसमें टेक्स्ट इतना सारा लिख देते हैं कि उसमें बहुत कचरा दिखता है. तो सिंपली आपको टेक्स्ट एक ही यूज करना है, एक में ही दो तीन मेन पॉइंट देना है. जस्ट लाइक कि आपको कैसे मैं अभी जस्ट लाइक ले रहा हूँ हाउ टू क्रिएट थंबनेल्स. सो सिंपल इसमें भी मेरे को एक ही फॉन्ट यूज करना है, जस्ट लाइक ऊपर नीचे करके यूज कर सकते हैं कहीं भी. और एरिया भी आपको दिखा के रखना है, राइट का रखना है और लेफ्ट, और फोटो को सेंटराइज करना है या लेफ्ट राइट नीचे अपर डाउन आपको चूज करना पड़ता है. इसके लिए मैं टिप्स बता रहा हूँ. और मेन पॉइंट मैंने आपने आप लोग को बताया था टेक्स. सो सिंपली मैं टेक्स्ट में यहाँ पे टी प्रेस करते हुए टेक्स्ट ले रहा हूँ और इसमें मैं कुछ भी टाइप नहीं करूँगा. सिंपली हाउ टू क्रिएट थंबनेल्स जस्ट वही टाइप करने वाला हूँ. और फॉन्ट कौन सा यूज करना है वही कोई भी यूज कर लीजिए, आपको अट्रैक्टिव दिखने वाला. तो सिंपली आप यही यूज करो, मैं बोल नहीं बोलूँगा. तो सिंपली हाउ टू मैं फाउंट स्टाइल भी दिखा देता हूँ. सो सिंपली आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल. सो सिंपली इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सब लोग को सेलेक्ट करने वाला हूँ. और सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप हो चुका है, तो इसमें अभी अपडेट है तो इसमें सिलेक्शन हो रहा है. तो सिंपली मैं इसमें जाने वाला हूँ और इसका फॉन्ट में विंडो में जाने के बाद यहाँ पे मैं विंडो में जाने के बाद हम लोग कैरेक्टर चूज करेंगे. तो सिंपली इसमें देख सकते हैं आप लोग को फॉन्ट का साइज और कैसे एडजस्ट करना है, ग्राफिक्स मतलब यहाँ पे कैसे रखना है आप लोग को टेक्स्ट को. तो सिंपली आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं. सिंपली मैं इसको रेड लाइन ट्वीजर रखने वाला हूँ.
सो आपको सिंपली कौन सा चूज करना है, फॉन्ट फॉन्ट ए भी अच्छा ही है, लेकिन सिंपली हम लोग को दिखाना है एक ही फॉन्ट। सो सिंपली मैं वीडियो में कुछ सेरे फॉन्ट यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सर्च बार में जा रहा हूँ और सेंस सेरिफिक यूज करने वाला हूँ। सेंस सेरिफिक में भी बहुत सारा है यहाँ पे, तो इसमें मैं सिंपली यूज करने वाला हूँ जो कि थोड़ा सा इफेक्टिव और भद्दा दिखे ऐसा, मतलब कलर ज़्यादा रहे उस है भी। हाँ दिस वन। हाँ इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे और टेक्स का हम लोगों ने ले लिया है, तो सिंपली आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। इसमें बहुत फोटोशॉप में बहुत न्यू अपडेट्स आया है, तो सिंपली हम लोग टेक्स को ऐसा भी विदाउट कैरेक्टर का भी ऐसा ही हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। और इसको ग्रुप कर लीजिए, और ग्रुप करने के बाद यहाँ पे एक साइड पे रख लीजिए। थ्री टिप्स मैंने यहाँ पे देख लिया है, तो सिंपली इसको मैं थोड़ा सा फोटो को भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर फोटो में आप लोग को कुछ एडिटिंग करना है तो सिंपली एडिटिंग का बारे में भी मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है, बहुत सारा वीडियो, मतलब आपको कैसे एडिटिंग करना है, कैसे रिमूविंग करना है और कैसे कलर चूज करना है, कैसे सिंपली यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। और नेक्स्ट हम लोग के पास नेक्स्ट एक लेयर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और नेक्स्ट हम लोग के पास चीज़ एक और चीज़ आता है, उसके बाद हम लोग के पास एक और चीज़ आता है। सिंपली हम लोगों ने टेक्स्ट भी डाल दिया है और हम लोगों ने मेन पॉइंट, मतलब मैं थंबनेल में थ्री टिप्स दिखा रहा था, तो सिंपली मैंने थर्ड पॉइंट है मेन, उसमें कुछ आपको ग्राफिक्स डालना पड़ेगा। आपको सिंपली आप बोलोगे मेरे को ग्राफिक नहीं आता, तो सिंपली आपको ग्राफिक नहीं आता तो सिंपली मेरा वीडियो देख सकते हैं। दो तीन मैंने ग्राफिक्स के लिए भी वीडियो डाला है। ग्राफिक्स मतलब कुछ भी नहीं है, आप लोग को सिर्फ अट्रैक्टिव कलर लाइक फोकसफुल कलर आपको यूज करना है। सिंपली जस्ट लाइक आपके पास पिक्चर में रेड बैकग्राउंड होता है, आपको बैकग्राउंड में भी रेड लेना है। अगर आपके पास सिंपली, अगर मैं येलो यूज कर रहा हूँ टी शर्ट, तो सिंपली बैकग्राउंड येलो रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। व्हाइट एक्चुअली बहुत अच्छा रहता है, तो सिंपली ज़्यादातर लोग व्हाइट है फिर अट्रैक्टिव कलर ही यूज करते हैं। तो सिंपली मैं इसमें ग्राफिक्स में आप सिर्फ कलर को बहुत इम्पोर्टेंट चीज दे दीजिए, उसमें बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। सिंपली यही था टिप्स मेरे को, जितना भी मैं थंबनेल में मेरा थंबनेल में यूज करता हूँ। और आप लोगों को ग्राफिक्स नहीं आता है तो सिंपली मेरा वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हम लोग को क्या करना है, बैकग्राउंड। अभी यहाँ पे सोच रहे होंगे अभी हम लोग बैकग्राउंड कलर पे कौन सा कलर यूज करें, तो सिंपली कुछ भी आपको कुछ भी डाउटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, अभी यहाँ पे एक टी शर्ट में येलो कलर है, तो सिंपली मेरे को आप लोग को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, जो कि कलर मल्टी होना चाहिए। एक्चुअली जो थंबनेल्स में मल्टी रहता है वही यूज करना है, तो सिंपली आपको येलो कलर यूज करना है। अगर आपको ब्राइटनेस कलर चाहिए तो सिंपली आप एडोबी एक्सप्लोरर में जाके यूज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, मैं ब्राउजर में जा रहा हूँ, ब्राउजर में मैंने ऑलरेडी पेज ओपन करके रखा है। एडोबी कलर डालेंगे तो आपको आ जाएगा एडोबी एक्सप्लोरर बोल के। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कलर्स है इसमें, बहुत सारा फ्री है, आप फ्री कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं दिखाऊंगा आपको भी कैसे कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो सिंपली इसमें से मेरे को ब्राइट येलो लग रहा है ए वाला, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइब्रेरी में। यहाँ पे देख लीजिए, लाइब्रेरी ओपन करने के बाद आप लोगों के पास एक विंडो ओपन होगा और इसमें कोड देखा आएगा। यहाँ पे देख लीजिए #FFF05A ब्राइटनेस का कलर है, सिंपली हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे। सो सिंपली फिर से मैं देन जाने वाला हूँ यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैं आ गया हूँ फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें जाने के बाद फिर से सॉलिड एडजस्टमेंट कलर में जाऊँगा। तो सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने पहले ही कलर डिफॉल्ट कलर है, तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है और जो कॉपी किया था उसको कंट्रोल भी करते हुए पेस्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कलर था वो यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली आप लोग को लग रहा होगा क्या नॉर्मल हो गया बोल के, अगर आप लोग को कुछ भी इसमें कुछ भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक योर लोगोज की रेसिपी का है तो आप लोग राइट हैंड साइड पे कुछ भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो सिंपली मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अगर बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग यहाँ पे फोटो में पाथ भी यूज करते हैं, तो सिंपली वो भी हाँ कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे आप लोग को लोगो ऐड करके भी दिखा देता हूँ। सो सिंपली मैं इसके लिए यहाँ पे रूलर लूंगा, कंट्रोल आर प्रेस करते हुए रूलर ले सकते हो। मैं यहाँ पे इतना गैप छोड़ता हूँ और यहाँ पे भी समथिंग। आप लोग को अगर बेसिक ग्राफिक नहीं पता है तो मेरा वीडियोस को फॉलो कर लीजिए, उसके आपको पता चल जाएगा सिंपल ग्राफिक। और अगर फोटोशॉप सीखना चाहते हो तो आप लोग को भी वो भी अच्छा ही रहेगा। तो सिंपली फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हो चुका है सिंपली।
देख लिया है आप लोगों ने, तो सिंपली मैं इसको पहले, तो सिंपली मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए पूरा लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसको हम लोग करेंगे मॉइस्चराइज टाइप एंड देन लेयर मास्किंग। लेयर मास्किंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं एक ही लेयर पे हो चुका है, तो सिंपली आप एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ कहीं पे कहाँ पे डालना है। यहाँ पे लाइट्स का सीधा ही रख लीजिएगा क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, और फोटो को भी थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव दिखाना। और मैं फोटो में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सो सिंपली इसमें मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा डाल देता हूँ। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा ब्राइटनेस का है, तो इसमें जाने के बाद आप प्रॉपर्टी में भी देख सकते हैं इसको। तो सिंपली मैं इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से थोड़ा मर्चिंग हो रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे नेक्स्ट, लोगो, मैंने मेरे पास लोगो है, सो सिंपली मैं उसको पे कंट्रोल ओपन प्रेस करते हुए लोगो को डालने वाला हूँ। सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे लोगो ओपन हो चुका है, तो सिंपली मैं इसको ड्रैग करने वाला हूँ, और ड्रैग करते हुए मैं इसको थंबनेल्स में लेके आने वाला हूँ। थंबनेल्स में लेके आके यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देते हैं कन्वर्ट। सो राइट क्लिक, उसके बाद कवर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। साइज इसका बहुत बड़ा है, तो सिंपली मैंने इसको वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए किया था। अगर आप लोग को ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है तो मेरा वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं बेसिक बेसिक डाल रहा हूँ अभी वीडियोस सिर्फ, तो सिंपली बाद में मैं एडवांस भी डालने वाला हूँ, एडवांस कैसे करना है आप लोग को डिजाइनिंग। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लोगो का साइज आप लोग को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लोगो का साइज कैसे यूज करना है तो सिंपली यहाँ पे देख लीजिए। सिंपली यहाँ पे मैंने डाल दिया है सिंपली हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, लोगो भी डाल दिया है और पिक्चर भी यूज कर लिया है। अगर हम लोगों ने थ्री टिप्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, थ्री टिप्स, तो आप यहाँ पे चाहिए तो थ्री टिप्स भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आपका क्या कंटेंट रहता है उसमें, आप लोग को जो चीज़ अच्छा लगता है एक ही फाउंट में यूज करना। अभी मैंने यहाँ पे एक फाउंट यूज किया है, तो सिंपली इसी फाउंट में आप लोग को यूज करना है। सो सिंपली मैं इसमें सिर्फ दिखा देता हूँ, मैं थंबनेल में नहीं रखने वाला हूँ, तो फिर से प्रेस करता हूँ मैं। आपको कहाँ पे रखना है वो भी कंफ्यूजन होता है, तो सिंपली वी प्रेस करते हुए मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को सिंपली नॉर्मल शिफ्ट प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे पिक्सल पे जा रहा है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे नीचे ही लिखने वाला हूँ थ्री टिप्स एंड ट्रिक्स बोल के। सिंपल देख लीजिए, अभी यूट्यूब का हम लोगों ने एक डिजाइन तो कर लिया है, तो सिंपली आप लोगों ने कमेंट किया था, तो इसके लिए मैंने उनके लिए एक वीडियो डेडिकेट किया है। तो अगर प्लीज वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ऐसा ही वीडियो न्यू न्यू कंटेंट के साथ डालता रहता हूँ। अगर आपको कुछ आइडिया है तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये सब क्रिएट करना है बोल के, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बता